cheapest, best and the most high-tech backpacks. और high-tech भाई literally खतरनाक है. Cheapest backpack आ गया हमारे पास में. Brand का नाम है MI. पूरा polyester material का बना हुआ है. Red red color के इसमें zips डाले गए हैं. क्योंकि इसमें design लाते हैं. Fabric की quality बहुत ज़्यादा अच्छी है, मजबूत है, लेकिन simple है. Friend आपको MI की branding मिल जाएगी, वो भी red color से. Single आपको zip देखने को मिलेगा, zip holder मिलेगा और zip की quality ना actual में बहुत ज़्यादा अच्छी मैं कहूँगा. अंदर की तरफ आपको ना ही कोई laptop compartment मिलता है, ना ही कोई pen holder. Simple सा depth आपको space देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मिलेगी सस्ती वाली चूरन जो हमने अंदर डाल दिया. फ्रंट में भी आपको एक सीधा जिप देखने को मिलता है, जिसके साइड साइड में अगर आप कुछ चाहो तो रख सकते हो. पीछे की तरफ आपको दो सोल्डर स्ट्रैप मिल जाएंगे, एकदम पतले भिमंगे टाइप के. और पुनीत सुपरस्टार का भूत मेरे अंदर घुस गया क्या. ऊपर में आपको एक टंगनी देखने को मिल जाएगा और नीचे में इसमें हार्ड प्लास्टिक के बगल्स दिए हुए हैं. दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है. MI का आपको टैग मिल जाएगा. प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है 999, लेकिन ये आपको 500 के अंदर में मिल जाएगा. अगर टिफिन विफिन कैरी करना है, छोटी मोटी चीजें कहीं ले जाना चाहते हो, उसके लिए बस है. फटाफट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. ऑलराइट, नेक्स्ट जो बैकपैक है वो भी आता है MI की तरफ से. देखो, मैं इंटेंशनली MI को ऐड नहीं कर रहा, लेकिन सस्ते में भाई इससे बेस्ट बैकपैक आपको नहीं मिल सकता. बड़ी सी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और प्राइसिंग मैं आपको एंड में बताता हूं. वैसे यहां पर लिखी हुई थी 1999. बैकपैक की अगर लुक को देखोगे ना, बहुत सिंपल, बहुत मिनिमल, बहुत ज्यादा प्रीमियम बैकपैक है. मतलब 1000 के अंदर में बैकपैक अगर कोई बेस्ट कलर हो सकता है ना, वो बेस्ट कलर इसमें डाला गया है, डार्क ग्रे एंड ब्लैक. अब चूंकि Xiaomi है, थोड़ा सा आपको वो ऑरेंज वाला टच यहाँ पर देखने को मिलेगा. बॉटम वाले पूरे पार्ट में रबराइज्ड कोटिंग आपको देखने को मिलेगी, जिससे एक मैट लुक इसमें ऐड होता है, साथ ही कुछ हद तक ना वाटर रिप्लेंट हो जाता है. फ्रंट में आपको एक छोटा सा पॉकेट मिलता है, जिसके अंदर आप जो चाहे रख सकते हो. जिप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और उसपे भी आपको MI की ब्रांडिंग मिलेगी. साइड में आपको MI लाइफस्टाइल ऐसा करके देखने को मिलेगा. हमने पूरा नाइकी के शू का भी हॉल किया हुआ भाई, वो भी आप चाहो तो जाकर देख सकते हो. फर्स्ट जिप कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको डुअल जिप देखने को मिल जाएगा. सब में आपको जिप होल्डर मिलेगा, MI की ब्रांडिंग मिल जाएगी. इसके ऊपर में आपको दो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, एक छोटा सा पेन होल्डर आपको देखने को मिलता है और बाकी आप पूरा डेप्थ इसका यूज कर सकते हो. वापस से क्लीन है. लास्ट कंपार्टमेंट की बात करें ना, तो इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे थोड़ा सा ये एंटी थिफ्ट टाइप का हो जाता है. यहाँ पर भी आपको डुअल चेन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर में एक तरफ आपको वेल पैडेड लैपटॉप स्लीव देखने को मिलेगा. ऊपर में आपको एक स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा, वेलक्रो ट्रेप है इसमें. दूसरी तरफ आपको एक बड़ा सा जिप देखने को मिलता है, जहां पर डेप्थ अच्छी खासी चौड़ी दी गई है. इतनी आप जो चाहे आराम से अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहां पर रख सकते हो. एक और यहां पर स्लीव देखने को मिलता है और उसके बाद आप पूरी डेप्थ इसके यूज कर पाओगे. अंदर में MI की ब्रांडिंग मिल जाएगी और ये वाला बैकपैक भी ना पूरा पॉलिएस्टर का बना हुआ है. ऊपर में आपको वेल पैडेड एक ग्रिप देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर फिर से कोई ब्रांडिंग नहीं की गई है, बहुत अच्छी बात है. और बैक साइड में आपको पूरा मेश का काम मिलता है, मेश के पूरे आपको शोल्डर स्ट्रैप्स देखने को मिल जाएंगे. बस छोटू सा एक MI का व्हाइट कलर का ब्रांडिंग यहाँ पर मिलेगा और बहुत प्रीमियम क्वालिटी के हार्ड रबर इसमें बकल्स आपको देखने को मिलेंगे. साइड में यहाँ पर आपको एक सीक्रेट पॉकेट देखने को मिलता है, जिसके अंदर वैसे तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन आप चाहो तो कुछ भी इंपॉर्टेंट, या चाहो तो रेन का सीजन है तो एक रेन कवर रख सकते हो. बेस्ट रेन कवर के लिंक्स ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एक तरफ आपको अम्ब्रेला होल्डर और दूसरी तरफ आपको बोतल होल्डर देखने को मिल जाएंगे. ओवरऑल बैग का जो लुक है ना, बहुत ज्यादा सिंपल, प्रोफेशनल और मिनिमल रखा गया है. तो इस बैकपैक को पहनने के लिए ना आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. ऑफिस जा रहे हो पहन सकते हो, कॉलेज जा रहे हो पहन सकते हो, स्कूल जा रहे हो पहन सकते हो. लेट्स गो. लेकिन अब बारी आती है भाई सबसे मोस्ट हाईटेक बैकपैक की. भाई इसकी जो फीचर है ना, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि बैकपैक में क्या क्या हो रहा है. प्रीमियम पैसा पे करोगे तो प्रीमियम पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी. फ्रंट में आपको मिलेगी EU ME की ब्रांडिंग, अनफोल्ड अर्बन यहाँ पर लिखा हुआ है. नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है पूरी. प्लास्टिक की आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी. अबे फटी है. ऑलराइट भाई, EU ME की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी. अंदर में कुछ नहीं लिखा हुआ है और पीछे यहाँ पर इसकी MRP है. कलर देखोगे तो पूरा ब्लैक कलर का है. देखो, ब्लैक कलर इज द बेस्ट कलर फॉर बैकपैक. ग्रे में जा सकते हो, लेकिन ब्लू, लाल, हरा, पीला, नीला में मत चल जाना, ज्यादा टांग नहीं पाओगे. फ्रंट के अगर डिजाइनिंग को देखोगे ना, तो इसमें केमो प्रिंट्स बनाए गए हैं. ये डिजाइनिंग में जो कि ब्लैक कलर से ही किया गया है ना, तो बहुत ज्यादा सटल लग रहा है. फ्रंट में EU ME की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी. नीचे लिखा हुआ है एंटी स्ट्रेस. इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ. फ्रंट में आपको छोटू सा पॉकेट देखने को मिल जाएगा, जिसको खोलकर आप पूरा फ्रंट वाला डेप्थ यूज कर सकते हो. जिसके ऊपर में आपको एक की होल्डर देखने को मिल जाएगा. और इसमें अच्छी बात क्या है ना, इसमें एक डिटैचेबल मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो इसको कड़क करके निकाल के ना इसको अपनी चाबी में लगा लो और जब चाहो बस ऐसे करके आपको टक से लगाना है, टक से खोलना है. साइड साइड में आपको इसमें दो पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, दो पेन होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे और सारे पॉकेट्स के ऊपर भी ना आपको लाइनिंग देखने को मिलेगी. मतलब एक ना फैब्रिक का बॉर्डर डाला गया है. EU ME की साइड में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी. अच्छी बात क्या है कि इस छोटे से पॉकेट में भी ना आपको दो चेन देखने को मिलते हैं, तो अगर एक खराब हुआ एक कंटिन्यू सपोर्ट पे रहेगा. चेन की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और इसका जिप होल्डर भी ना बहुत सुंदर बनाया गया है. इस पे भी आपको EU ME की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी. फर्स्ट एंड द लास्ट मेन कंपार्टमेंट की बात करें ना, एक ही मेन कंपार्टमेंट है, उसमें आपको डुअल चेन तो देखने को मिलता है. चेन की क्वालिटी अगेन बहुत ज्यादा अच्छी, बड़े प्यार से और एक थ्रस्ट के साथ खुलता है. अंदर में देखोगे भाई पूरा प्रॉपर आपको जुगाड़ देखने को मिल जाएगा आपकी सारी चीजों का. इसमें आपको एक टैबलेट कंपार्टमेंट मिलता है, एक वेल पैडेड आपको लैपटॉप स्लीव देखने को मिलेगा. उसके ऊपर में आपको एक प्लास्टिक वाला स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा, जिसपे EU ME की ब्रांडिंग मिल जाएगी. दूसरे साइड में आपको दो बड़े तगड़े क्वालिटी के नेट कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं. एक्चुअल में ना भाई इसके नेट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है. इसके ऊपर में जो सॉकेट का साइन बना हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ. ऊपर में आपको एक जिप कंपार्टमेंट
देखने को मिल जाएगा जिसकी डेप्थ जितनी दिख रही है ना बस उतनी है। यहाँ पर ना थोड़ा सा चीप क्वालिटी का चेन डाला गया है, पूरा आप इसका डेप्थ यूज कर सकते हो। वैसे जरा ना इसके वायर का देखो भाई, कितना ज्यादा मोटा वायर इसमें डाला गया है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है। टेंशन मत लेना इसमें वो चार्जिंग वाला सॉकेट नहीं है। साइड में इसका मॉडल नेम लिखा हुआ है बैरेट और 29 लीटर का ये बैकपैक है। दोनों साइड में आपको बोतल होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, एक में बोतल डाल लो एक में छाता डाल लो। पीछे की तरफ अगर जाओगे ना तो यहाँ भाई एक्चुअल ना पूरा डेक्सटर्स लेबोरेटरी से उठाया हुआ ना सिस्टम डाला गया है। मेश का बना हुआ वेल पैडल्ड आपको सोलर स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। चारों तरफ आपको भाई बकल ही बकल इसमें देखने को मिलेंगे। एक चेस्ट सपोर्ट वाला बकल है जो कि एडजस्टेबल है, एक शोल्डर स्ट्रैप का बकल है जिसकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कहीं भी ना आपको कोई चीप चीज देखने को नहीं मिलेगी। इसके जरा बैक सपोर्ट को देखो, कितना प्रीमियम और कितना वेल डिजाइंड है ये। लेकिन इस बैकपैक की सबसे खतरनाक बात ये है कि ये बैकपैक इनबिल्ट मसाजर के साथ आता है। ऊपर नीचे में ये जो दो दो आप तकिए देख रहे हो ना छोटे छोटे, ये एक्चुअल में फंक्शनल मसाजर है। लेकिन जब आप अंदर वाले मोटे तार से एक पावर बैंक को कनेक्ट कर दोगे ना, आई एम डन। अब आप ये सोच रहे हो भाई स्टार्ट कहां से होगा, तो एक्चुअल भाई इसके शोल्डर स्ट्रैप के ऊपर में ही बटन डिजाइन किया गया है। इसको बस आपको दाबना है और ये भाई मल्टी फंक्शनल तरीके से वर्क करता है। जैसे अभी मैंने एक बार दाबा ना तो ऊपर वाला मसाजर बस चल रहा है, एक बार और दाबूंगा अब ये नीचे वाला स्टार्ट हो गया, लेकिन ना टेम्पो पे चलता है। और उसके बाद में जब दाबूं दोबारा, अब ये पूरा चालू हो गया, एक साथ चारों चल रहे, और चौथी बार प्रेस करने पे बंद हो जाता है। मसाजर को आप चाहो तो अपने बॉडी शेप के हिसाब से ना ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर दो बकल दिए गए, नीचे एक बकल दिया हुआ है, तो हल्का फुल्का एडजस्ट करके आप एकदम प्रॉपर पोजिशन में भी ला सकते हो इसे। और अगर यूजिबिलिटी की बात करें कि कितना अच्छे से वर्क करता है, तो देखो एकदम एक्चुअल मसाजर जैसा तो आपको फीलिंग नहीं देगा, लेकिन एक पावरफुल वाइब्रेशन आपके बॉडी में छोड़ता भाई, और मजा आता है। चलो ट्राई करते हैं। ये पहन लिया, चेस्ट सपोर्ट भी है और इसका वेस्ट सपोर्ट भी आपको मिलता है। अपना मसाजर आपका छतिया से चिपकेगा जी, किसी के सामने जाओगे क्या गजब लगेगा, नहीं ऐसे दावा। भाई साहब मैंने एक्चुअल भाई बैक में बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ओ भाई आपको ये कॉन्सेप्ट देखकर भाई कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। और इस बैग का की प्राइस अराउंड 4,500 रुपए आसपास है। बैग देखो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, पीस, बूम।